इजाज़ भाई, कुछ आज के अचानक इस मुमरा के दौरे के और अचानक दारुल फला मस्जिद में नमाज अदा करने के इस पूरे मामले के पीछे क्या मंशा है आपकी, क्या वजह है आज अचानक जो है, कल रात को आपने MIM के पदाधिकारियों से जो है एक मीटिंग की और उसके बाद एक वीडियो वायरल हो गया कि आज आप मुमरा आ रहे, क्या वजह है इसके पीछे? सबसे पहले तो मुमरा के जितने लोग हैं, मैं ये कहूँगा कि आपका प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे भाइयों मेरे यारों, लेकिन ये जो एनर्जी है ना, ये जो पावर है, ये जो एकता है, इसको इसको इस्तेमाल करना है अच्छी चीज़ों के लिए। हमें चुनने हैं अच्छे नेता, हमें चुनने हैं अच्छे जो लोग जो हमें झूठे वादे ना करें। हमें ये देखना है कि कोई भी आदमी नेता बनने से पहले, यानी कि MLA, कॉरपोरेटर, MP या जो भी, उसके पहले वो क्या था, उसके बाद में वो क्या है, ये तुमको देखना है मेरे यारों मेरे प्यारों। देखो, हमको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हर लेवल पे, हर तबकों पे, क्योंकि इकरा का मतलब होता है पढ़ना। हम पढ़ते नहीं है यारों, हमें पढ़ना है, पढ़ के समझना है, इंसान के बारे में जानना है कि ये इंसान, अगर हम इसको नेता चुन रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या किया है और ये क्या कर सकता है। चार लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चार घर में नल लगाना पानी लगाना ये तो प्लम्बर भी करता है, मैं बात कर रहा हूँ पूरे पूरे मोहल्ले। मुमरा को देख के मेरे को बहुत दुख हुआ यार, 2 घंटा लाइट आती है, 2 घंटा लाइट जाती है, पानी की प्रॉब्लम, हर चीज़ की प्रॉब्लम, रास्ते अच्छे नहीं हैं, कब्रिस्तान ऐसा दे दिया गया है जहाँ पे कब्र ही नहीं खोद पा रहा आदमी, तो यार कैसे होगा ये सब। तो मैंने सोचा कि अब MIM के कुछ हमारे भाई है जो हमारे पास आए, सिद्धार्थ भाई हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक बार मुमरा चलो, आप सिर्फ देखो क्या वहाँ पे है और क्या हो रहा है और वहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं। सर, ऐसा भी माना जा रहा है कि आप जो है MIM के तरफ से कलवा मुमरा से चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा? यार हम कहीं से भी लड़ सकते हैं। नहीं, मतलब एक आपसे जो टीम 07 का विवाद जुड़ा, ड्रग्स की केस का आपका जो विवाद जुड़ा, तब से लेकर के ऐसी खबरें चल रही है जाज भाई कि आप आने वाला असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, चाहे मुंबई से करेंगे या मुंबई के किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से करेंगे, लेकिन आज अचानक जो है कल रात के आपके वीडियो ने उसने एक यू टर्न दे दिया है, एक नया जो है मोड़ दे दिया है और कलवा मुमरा जो है मुमरा कौसा मुस्लिम बहुल इलाका है उस हिसाब से आपकी उम्मीदवारी MIM की तरफ से होने जा रही है, ऐसा एक संदेश यहाँ पर जा रहा है, तो उस पर ठोस तरीके से आपका क्या जवाब है? आर यू इंटरेस्टेड फ्रॉम कलवा मुमरा लेजिस्लेशन असेंबली? 100% आप लड़ना चाहते हैं यहाँ से? 100% यार, 100% वाई नॉट। अगर मेरे लोग मुझे बुला रहे हैं, मुझे दावत दे रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि एजाज भाई हमको इतनी प्रॉब्लम है और हमारा नेता कैसा हो, एजाज भाई जैसा हो, अगर ये लोग मुझे कह रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं इस पर सोचूंगा, मैं इस पर और रिसर्च करूंगा, मैं मुमरा के अंदर से जाके बाहर से निकलने वाला हूँ और जानने वाला हूँ कि मुमरा के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। सर, अभी आपने कहा था कि ये फील्ड में आने के लिए एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो आपका क्या पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, बैकग्राउंड क्या है? मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, मैं फ्रीडम फाइटर हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। ओके, इजाज़ भाई, आई एम अ फ्रीडम फाइटर, आई हैव फाइट फॉर पुअर पीपल, अंबानी से भी लड़ा हूँ मैं बिना नेता हुए, नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से, और जो जो भी RSS बजरंग दल और जो जो ऐसे लोग हैं जो जुल्म करते हैं, कभी कभी ICJ से RSS ने अभी उनको मार दिया तबरेज को, तब भी मैंने आवाज़ उठाई, फिलू खान को मारा तब भी आवाज़ उठाई, पहलू खान को मारा तब भी आवाज़ उठाई, और जब गाय के नाम पे लोगों को मारा जा रहा था तब पहली आवाज़ एजाज खान ने उठाई थी, और इसके जो जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो आपको नहीं पता मेरे भाई, इसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि तुम्हें धमकियाँ आती है, तुम्हें जान से मार देने का, तुम्हें जेल पहुंचाया जाता है हर बार, जब भी तुम्हारी मर्जी हो, इनकी मर्जी हो, तुम्हें उठा लेंगे और जेल भी पहुंचा देंगे और कोई कुछ नहीं करेगा, तो फ्रीडम फाइटर ये काम कर सकता है, नेता लोग जेल नहीं जाते भाई।
एजाज भाई, आपने अभी आपकी यहाँ से दावेदारी मानी जा रही है, तो इसके अलावा भी यहाँ पे कलवा मुमरा से 7 लोगों ने एमआईएम का फॉर्म भरे, क्या कहना आपके इसके बारे में? भाई सब जिन जिन ने भरे है वो मुझे पता नहीं, किसने किसने भरे है वो डिसाइड करने वाला हैदराबाद में बैठा है असद भाई हमारे, वो असद भाई डिसाइड करेंगे कि कौन क्या कर सकता है और किसके अंदर ज्यादा पावर है। मुस्लिम माइनॉरिटी इलाके तो बहुत से, लेकिन मुमरा ही क्यों आपने इसे चुना? हालात सही बोले, हालात मुमरा के हालात, और मुमरा के लोग मुझसे बहुत मोहब्बत, अब देखा ना आपने अभी मदनपुरा नागपुरा डोंगरी भी हो सकता था, मुमरा ही क्यों? वहाँ पे क्या कुछ है लोग जो कर सकते हैं? आप हालात बोल रहे हैं तो आखिर जो हालात मुमरा के खराब है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, आप किसे मानते हैं? मैं मुमरा के लोगों को इसका जिम्मेदार मानता हूँ। हमारी कौम का एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, सबसे पहले हमारा कोई लीडर है, हमारा कोई रहनुमा है, हमारे नबी है, तो सबसे पहले हमें हमारे नबी को फॉलो करना है, ना कि कोई उलमा या मौलाना या मस्जिद के मौलाना या बागी साहब या ये मौलाना या मौलाना, कोई सबसे बड़े जो है वो हमारे नबी है, और उन्होंने जो कहा है वही दुनिया में हो रहा है मेरे भाइयों। तो सबसे पहले नबी की सुन लो, उसके बाद नबी से मोहब्बत करने वालों की सुन लो, उसके बाद अपने माँ बाप की सुन लो, और उसके बाद सही लीडर चुनो। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हमारे लीडर सही नहीं। एजाज भाई, आप बार बार जो है मुसलमानों से, अपनी कौम से अपील कर रहे हैं कि सही लीडर चुनो, सही लीडर चुनो, लेकिन आज तक हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में मुसलमान ने मुसलमानियत कम की है, सेकुलरिज्म को ज्यादा जो है उसने तवज्जो दी है, तो मुसलमानों को आज के माहौल में क्या अपनी इस सोच को बदलना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? सेक्युलरिज्म निकलता का सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हुआ जी? मान लीजिए मैंने सेक्युलरिज्म वही खत्म हो जाता है कि हमको सेक्युलर होने का कोई प्रूफ देने की किसी को जरूरत नहीं है, वो अशफाकुल्ला खान एपीजे कलाम दे चुके हैं, एपीजे कलाम हमको उनसे कंपेयर किए है, हमें लादेन से क्यों कंपेयर कर रहे हैं आप? हमें अशफाकुल्ला खान से कंपेयर करी है, हमें अल्लामा इकबाल से कंपेयर करी है, भाई किसने लिखा है राष्ट्रगीत आपको पता है ना? अच्छा इजाज भाई, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, 4 इच्छुक उम्मीदवार जो है एमआईएम के कल आपके साथ वीडियो में नजर आए, आपके घर पर नजर आए, और वो चारों इच्छुक उम्मीदवारों के साथ एमआईएम के आप आज मुमरा आए हैं, तो ये माना जा रहा है कि इन चारों इच्छुकों का एक तरह से आपको समर्थन मिल चुका है, आपकी उम्मीदवारी को कलवा मुमरा से समर्थन मिल चुका है, 4 नहीं उसमें 3 ही थे, बेग साहब थे, अब्दुल रऊफ लाला थे, महेंद्र कुमुरलेकर थे, इन तीनों ने दावेदारी की है, तो इन तीनों का जो है नसीर खान नहीं थे उसमें, तो तीनों की जो है ये दावेदारी एक तरह से मतलब आपकी उम्मीदवारी के पलड़े में आ चुकी है, तो क्या मुमरा कौसा की आवाम ये मान ले कि आप मैदान में उतर रहे हैं? देखो अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख और भीगे हुए परों से भी परवास करके। इजाज भाई, यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी एनसीपी, उसके जो विधायक है जितेंद्र अवार्ड, पिछले 10 सालों से विकास के दावे कर रहे हैं, उनका कहना है कि शहर में काफी विकास हो चुका है, उनके इस विकास के दावों को आप किस तरह से देखते हैं? उनके विकास को भी हम देखेंगे, वो उनका विकास बिल्कुल मोदी जी जैसा ही विकास है, तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि उनके बारे में और रिसर्च में डिटेल निकाल रहा हूं और मैं जनता को बताऊंगा। यानी फिलहाल आप नरेंद्र और जितेंद्र में कोई फर्क नहीं समझ रहे? तो फिर भाई विकास नहीं हुआ तो दोनों सेम ही हो गए ना।